सूरत शहर में दिवसे ने दिवसे कायदो व्यवस्था बगड़ी रही है। हजू थोड़ाक दिवस पहला डिंडोली विस्तार में बाइक पर आवेला केटलाक ईसमोए केटलीक फोर व्हील गाड़ी में तोड़फोड़ करी हती। त्यारे डिंडोली विस्तार की एक चानी दुकान पर चार थी पांच ईसमोए मळी संपूर्ण दुकान की अंदर तोड़फोड़ करी छे। डिंडोली विस्तार में आवेली पवेलियन प्लाजा में गोपाल मटका नामनी एक चानी दुकान पर केटलाक असामाजिक तत्वों मोड़ी सांजे आव्या हता। तेमना द्वारा दुकान में भाड़े तोड़फोड़ करवामां आवी लाखों रुपयानु नुकसान करी त्यांथी भागी गया हता। जे रीते सीसीटीवी में वायरल थया छे ते सीसीटीवी में स्पष्टपणे देखाय छे के चार थी पांच लोकोए माथे टोपी अने चेहरा पर रूमाल बांधी दुकान में घुस्या हता। दुकान में घुसतानी साथे ज लाकड़ाना फटका लई संपूर्ण दुकान में फर्निचर फ्रीज तेमज अन्य वस्तुओं पण तोड़ी नाखी हती। गोपाल मटका चाना मालिके जणाव्युं छे के सवारना समये जेकी नामना एक व्यक्ति जोड़े વાત થઈ હતી અને ત્યારબાદ જે કે ફોન પર ધમકી આપી આજે તારી દુકાન તોડી નાખીશ। ત્યારબાદ મોડી સાંજે દુકાન માલિકોએ કારણસર દુકાન બહાર ગયા ત્યારે કેટલાક લોકો દુકાન પર આવ્યા અને તેમની દુકાન તોડી લાખો રૂપિયાનું નુકસાન કરી ભાગી ગયા છે। જ્યારે અગાઉ પણ કેટલીક વાર આ દુકાન માલિક અને દુકાન પર આવા બનાવો બની ચૂક્યા છે। હાલ સીસીટીવીમાં દેખાતા દુકાન પર બેસેલા વ્યક્તિએ ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે અને પોલીસે ફરિયાદ લઈને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી। અરવિંદ રાઠોડ, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।